A particle move in a circle radius 5 cm with constant speed, the time period is 0.2 pi second. The acceleration of the particle is calculated करनी अपने को इस particle है इसकी total acceleration कितनी होगी वो अपने को ओके अगर particle circle में circular motion है तो उसमें दो type की acceleration होती है एक centrifugal होती है एक tangential होती है ओके solve करते हैं ओके यहाँ पे given है radius रेडियस दे रखे सर्किल की आर इक्वल 5 सेंटीमीटर ओके यानी कि 5 × 10⁻²⁪ मीटर ओके टाइम पीरियड दे रखा है टाइम पीरियड टी इक्वल दे रखा है 0.25 सेकेंड ओके तो सेंट्रिपिकल सेंट्रिपिटल टोटल जो एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन वो हो जाएगी ए सी तो ए सी इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर ओके ओमेगा की वैल्यू 2π/T का होल स्क्वायर इंटू आर आर की वैल्यू लिख देंगे तो यहाँ से लिखा 2π T की वैल्यू लिख दी 0.2π का होल स्क्वायर इंटू आर है 5 × 10⁻²। पाई से पाई कैंसिल आउट ये हो गया 10 का होल स्क्वायर इंटू 5 × 10⁻²। तो ये 10 से ये कैंसिल आउट हो गया ये आ गया 5 m/s स्क्वायर ये आ गई ए सी ओके एंड क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है स्पीड कांस्टेंट है स्पीड है ओके कॉन्स्टेंट है इसका जो मीनिंग है कि इसका जो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होगी जो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है जिसको ए टी कहते हैं ए टी 0 हो जाएगी ओके तो एक्सेलरेशन टोटल इसकी एक्सेलरेशन ई होती है वो हो जाएगी ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का अंडर रूट ओके तो यहाँ ए टी तो 0 है तो यहाँ ए इक्वल ए सी हो जाएगा तो यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा 5 m/s स्क्वायर ओके तो एक्ट टोवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी 5 m/s आ जाएगी ये हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट है।